असलम आई एम असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर फ्राम हेमल फार्मास्यूटिकल्स आज हम लोग हेड एंड नेक कैंसर के बारे में बात करेंगे तो इसके हवाले से हमारे पास आज डॉक्टर अम्बारा मंजूर मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट हैं एन आई बी डी अच्छा मेरा पहला सवाल है कि हेड एंड नेक कैंसर क्या है और ये जिसम के कौन से ऑर्गन में पाया जाता है ओके हेड एंड नेक कैंसर एक्चुअली एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बेसिकली कौन कौन से रीजन इन्वॉल्व होते हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है उसमें कान नाक पैरानीजल साइनसिस इन्वॉल्व होते हैं उनका मुंह का नेज़ोफेरिंग्स जो नाक का पीछे वाला हिस्सा है ओरल कैविटी का पीछे वाला हिस्सा जिसको और कहते हैं गले खुराक निकलने की जो नाली है उसका लास्ट पोर्शन जिसको हाइपोफेरिंग्स कहते हैं लेरिंग्स जो हमारा साउंड बॉक्स है वो इंक्लूड होता है उसके अलावा कुछ ग्लैंड होते हैं जो सेलाइवरी ग्लैंड से इनको कहते हैं लॉबेदहन प्रोड्यूस करते हैं उनके कैंसर्स और थायरॉय ग्लैंड के कैंसर्स बेसिकली ये शामिल होते हैं इनको ब्रॉड कैटेगरी हेड एंड नेक कैंसर्स के अंडर ये आते हैं ठीक है और इसकी हेड एंड नेक कैंसर की प्रेवलेंस कितनी है पाकिस्तान में हेड एंड नेक कैंसर हमारा वेस्टर्न डेटा और जो लोकल डेटा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है वेस्टर्न जो पॉपुलेशन uh, है उनका पर ईयर केसेज सिक्सटी एट थाउजेंड पर ईयर है लेकिन uh, जो इंडोपाक uh, का डेटा है स्पेसिफिकली साउथ एशिया का हमारे पास ये है कि तकरीबन दो लाख केसेस पर ईयर रिपोर्ट होते हैं तो उसकी वजह यह है कि हमारे रिस्क फैक्टर्स और हैं उनके बेसिकली रिस्क फैक्टर्स और हैं तो उनकी वजह से ये प्रेवलेंस का थोड़ा डिफरेंस आता है कि हमारे पास ये के, कैं, कैंसर के जो हेड एंड नेक कैंसर है उनकी प्रेवलेंस ज़्यादा आती है अच्छा इसकी अलामत और क्या वजूहत हैं इस कैंसर के, के जो हेड एंड नेक कैंसर है उसकी बेसिकली जो कॉमन वजूहत होती है जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत ऑब्वियस वजूहत हैं कि अगर कोई बंदा आ, कोई ये वाले रिस्क फैक्टर्स हैं तो हम उसके अंदर ये कैंसर हो सकता है सो so दैट अगर हम इन वजूहत को प्रिवेंट करेंगे तो कैंसर्स को कम किया जा सकता है जिसमें एक स्मोकिंग मोस्ट कॉमन है फिर हमारे यहाँ जो बीटल नट यूज जिसमें पान गुटखा छालिया मावा uh, और जो इस तरह की चीज़ें वो रिक्रिएशनल जो तफरी इस्तेमाल के लिए होती हैं और थर्ड मोस्ट कॉमन पे आता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और स्मोकिंग ये ज़्यादा है जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं लेकिन हमारे यहाँ स्पेसिफिकली जो कराची के अंदर बीटल नट यूज़ जिसमें ये पान गुटखा छालियाँ इनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा है जिसकी वजह से प्रेवलेंस भी ज़्यादा है फिर दूसरा ये कि इनकी हेड एंड नेक कैंसर की अलामत क्या होती हैं जैसे कि अभी बताया था कि डिफरेंट रीजन्स इंक्लूड होते हैं तो उन रीजन्स के अकॉर्डिंगली इसके साइन सिम्टम्स भी वेरी करते हैं मोस्ट कॉमन जिसमें होता है नॉन हीलिंग अल्सर मुंह के अंदर कोई छाला या कोई अल्सर निकलना फिर और यूजुअली जो इस तरह के कैंसर या अल्सर्स होते हैं वो दो से तीन हफ्ते के अंदर रिकवर हो जाते हैं लेकिन जो कैंसर नुमा छाला होता है वो तीन हफ्ते से ऊपर जाता है वो ठीक नहीं होता फिर इसके अंदर जो टॉन्सल्स हैं अगर उनका बार बार इन्फेक्शन होने लग जाए कान के अंदर से कान का इन्फेक्शन हो क्रॉनिक सुपरेटिवाइटिस मीडिया या नाक से आवाज़ में तब्दीली आ जाए नाक से खून आने लग जाए निगलने में मसला हो सबसे ज़्यादा आवाज चेंज हो जाए तो ये उसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो अगर डेढ़ से दो हफ्ते के अंदर ठीक हो जाए तो ये और वजूहत की वजह से हो सकते हैं लेकिन अगर तीन हफ़्ते से ऊपर जाए तो उस सूरत में फिर हमें ई एन टी सर्जन को ज़रूर दिखाना चाहिए कि इनकी वजूहत जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कैंसरस हो सकते हैं या नहीं क्योंकि हेड एंड नेक कैंसर एक फ़ास्टली ग्रोइंग डिज़ीज़ है बहुत जल्दी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देती दो से तीन हफ़्ते दो से तीन महीने के अंदर ये चीज़ें सामने आती हैं ठीक है अगर हम इसकी स्टेजेस की बात करें तो इसकी कितनी स्टेजेस हैं और इसकी लास्ट स्टेज में कौन से जिसम के कौन से आज़ा तक पहुंच जाता है कैंसर जो हेड एंड नेक कैंसर है इसकी बेसिकली चार स्टेजेस होती हैं स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री और स्टेज फोर जो स्टेज वन और टू होती हैं वो बेसिकली उसी ऑर्गन में जैसे औरल कैविटी है तो औरल कैविटी जिसमें ज़ुबान का हिस्सा ये गालों के अंदर वाला हिस्सा हार्ड पैलेट है जो फ्लोर ऑफ माउथ है वो included, ये सारे एरियाज जो ये इंक्लूडेड होते हैं इसी तरह हर रीजन वाइज अलग है नाक का लेरिंग्स का लेकिन बेसिकली जो स्टेज वन और टू है उसके अंदर जो ट्यूमर शुरू होता है वो उन्हीं रीजन्स के अंदर लोकेटेड होता है उसी ऑर्गन तक कन्फाइंड होता है स्टेज थ्री में यूजली लिम्फ नोड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के गार्ड्स हैं जो इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा पहले उनमें जाता है स्टेज थ्री में वहाँ चला जाता है और स्टेज फोर में लोकली एडवांस होता है कि उसमें भी ए और बी कैटेगरीज हैं कि अगर इर्द गिर्द के ऑर्गन्स में चला जाए जो साथ है जैसे मुंह से ओरोफेरिंग्स में चला गया नाक से नेजोफेरिंग्स में तो इस तरह से जो होते हैं उनको हम लोकली एडवांस कहते हैं और स्टेज फोर बी से फोर सी होती है जिसमें डिस्टेंट मेटास्टेसिस जाता है यूजुअली हेड एंड नेक कैंसर में जो डिस्टेंट मेटस है ये दूसरे ऑर्गन्स को कम इन्वॉल्व करता है लेस देन फाइव परसेंट चांसेज होते हैं कि लंग्स में जाए अदरवाइज इट इज बेसिकली द लोकली एडवांस्ड इर्द गिर्द के ऑर्गन्स के अंदर ही जाता है ठीक है अच्छा इसके सर्वाइवल चांसेस कितने हैं और अगर पेशेंट सर्वाइव कर लेता है तो उसको दोबारा वापस हो सकता है कैंसर ओके जो जो सर्वाइवल चांसेस है स्टेज वन और टू के अंदर वो हाईली क्योरेबल होता है कि अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट हो जाए तो उस पर हम ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं यूजुअली सर्जरी इज़ द मेन स्टेम ऑफ क्योर तो उसमें सर्वाइवल चांसेस आपके 65 से 75 परसेंट तक होते हैं जो स्टेज uh, थ्री जिसमें डिस्ट uh, जो रीजनल ऑर्गन्स में जिस तरह लिम्फ नोड्स में मैंने बताया कि उनमें चला जाए तो उसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल 35 से 40 परसेंट पर फाइव ईयर्स पे चले जाते हैं लेकिन जो स्टेज फोर जिस तरह में लोकली एडवास आ जाते हैं और मेटास्टेटिक तो उसमें सर्वाइवल के चांसेस फिर कम हो जाते हैं वो 20 से 25 परसेंट तक होते हैं और हेड एंड नेक के कैंसर वो एंटिटी है कि इसको हम ट्रीट करते हैं क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स बहुत एग्रेसिव हैं तो ये इसके इसका कोर्स ये है कि यूजली टू ईयर्स के अंदर जो लोकली एडवांस है वो फिफ्टी परसेंट रिकर करते हैं जो स्पेसिफिकली लोकली एडवांस है लेकिन जो अर्ली वाले कैंसर्स हैं वो रिलेटिवली uh, रिलेटिवलीयोरेबल होते हैं कि वो हमने ट्रीट किया तो उनके साथ सर्वाइवल अच्छा होता है ठीक है अच्छा इस कैंसर को हम कैसे चेक कर सकते हैं अगर साइंस और सिम्टम्स वैसे मौसू हों तो हम किन डॉक्टर्स को कंसल्ट करवाएं और लास्ट मैसेज अगर आप हेड नेक ये सवाल बहुत अच्छा है कि सबसे पहले आपने इस इस तरह के साइंस सिम्टम्स अगर आते हैं तो किसको दिखाना है तो ई एन टी सर्जन जो होते हैं उनसे कंसल्ट करना है उनको दिखाना है फिर बहुत दफ़ा जब ई एन टी सर्जन कोई इस तरह नॉन हीलिंग अल्सर या कोई ऐसी खतरनाक अलामत देखते हैं तो वो बायोप्सी का बोलते हैं जिस जिसपे बहुत सारे लोग आ, लोगों को लगता है कि जी बायोप्सी कराने से एक मेथ है कि वो फैल जाएगा या कुछ ऐसा नहीं है कैंसर का डेफिनेटिव इलाज हमेशा बायोप्सी से ही हो सकता है एक टर्म होती है जो स्कैमस सेल कैंसर है से, उसके अलावा और लिम्फोमास वग़ैरह भी आ सकते हैं जो कैंसर का पर्टिकुलर डायग्नोसिस है वो बायोप्सी से होता है बायोप्सी के बगैर इसको फाइंड आउट करना मुश्किल है फिर कुछ सी टी स्कैन वगैरह होते हैं जो इसकी स्टेजेस बताते हैं तो वो करवाने चाहिए और ई एन टी सर्जन इज़ द पेन डॉक्टर जिनको बेसिकली कंसल्ट करना चाहिए एक लास्ट मैसेज आप हेड एंड नेक कैंसर की अवेयरनेस के बारे में आ, जो हेड एंड नेक कैंसर की अवेयरनेस है वो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा इंसिडेंस और प्रवेलेंस सबसे ज़्यादा है हमारे रिस्क फैक्टर्स वेस्टर्न कंट्री की नस्बत बहुत डिफरेंट uh, हैं उनमें बेसिक यूज़ क्या है बीटल नट यूज़ पान गुटका छाली और सिर्फ किस लिए रिक्रिएशनल यूज़ तो वो ये रिक्रिएशनल यूज़ के साथ जो हमारी यूथ इफ़ेक्ट होती है जो हमारी फ्यूचर है हमारे मुल्क का वो ख़राब हो रहे है उसके बाद फिर इनके जो डिफरेंट इलाज पे सर्जरी रेडिएशन थेरेपी कीमोथेरेपी जो इलाज के डिफरेंट मोडलिटीज़ पे यूज़ होते हैं वो हेल्थ रिसोर्सेज़स वेस्ट होते हैं और सबसे बढ़कर हमारे जो पेशेंट पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है फिर उनको बाद में ग़ज़ा के ख़ुराक के आवाज़ के मसले और बहुत टेस्ट के डिफरेंसेस पीच के ये सारे और बहुत लंबे अरसे तक इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं तो मैं उस सिलसिले में ये चाहूँगी कि हमें अवेयरनेस इतनी देनी चाहिए कि इनके कितने बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ताकि हम इसके यूज़ को कम से कम कर सकें रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकें ताकि हम अपने रिसोर्स अपनी जनरेशन को सेव कर सकें और हकूमत से भी दरख्वास्त है कि वो इनकी जो पान गुट का छालिया की एक्सेस को इतना मुश्किल बना दें आवाम के लिए कि वो या कि हर कॉमन आम बंदे को जिसके लिए वैसे जिंदगी में चीज़ें मुश्किल होती हैं लेकिन पान बुट का छालिया का यूज बहुत ईजीली असेसबल है ताकि हम इन चीज़ों की प्रविलेंस को कम कर सकें थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मिस सो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट हेमल फार्मासूटिकल डॉट पी के और यू कैन फॉलोअ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिल देन टेक केयर एंड अ